ये पहला ही प्रॉब्लम जो है मुझे फेस करने मिल गया है। मुझे जो ऑर्डर लगा है वो ऑर्डर लगा है अभी रॉयल पम का। मोस्टली ये जो है डेंजर जोन में आता है, लेपर्ड वगैरह यहाँ घूमते रहते, बट अपने को ऑर्डर लगा है और अपने को ये डिलीवर्ड करना है। अप्रोक्सीमेटली मुझे 11 घंटे हो चुके हैं लॉगिन करके सुबह में, और मैंने काम किया है। तो अभी अपने साथ एक सीन हो गया है कि अभी अपने को जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर ऑलरेडी कैंसिल हो गया है। तो फाइनली दोस्तों अपने को पहला ऑर्डर जो है मिल चुका है। वेलकम टू अनदर व्लॉग्स गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज बेसिकली हम लोग इधर राइड नहीं कर रहे हैं, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक डिलीवरी बॉय को, एक डिलीवरी बॉय की लाइफ को। हमने से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जोमैटो डिलीवरी बॉय की लाइफ। मुंबई में जोमैटो डिलीवरी बॉय की लाइफ क्या है, उसका अर्निंग क्या है, एक्सपेंस क्या है, कितना टाइम लगता है, कितना अर्निंग होता है, और उन लोगों का प्राइस वगैरह क्या मिल रहा है उन लोगों को, पर डिलीवरी वगैरह चार्जेस क्या मिल रहे हैं उन लोगों को, तो इस चीज़ को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसीलिए मैंने पहन लिया है जोमैटो का टी शर्ट और मेरे पास है जोमैटो का बैग। आईडी तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो इसीलिए सोचा मैंने दोस्तों कि आज जो एक ब्लॉग इसके ऊपर भी लेके आया जाए कि आपके पास जो फूड आ रहा है, कोई भी डिलीवरी बॉय लेके आ रहा है, उनको क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और क्या चैलेंजेस उन लोगों को लाइफ में देखनी पड़ती है, रोड पे क्या चैलेंजेस देखने मिलती है। तो ये सबको एक्सप्लोर करने के लिए दोस्तों मैं आ गया हूँ आज जोमैटो डिलीवरी बॉय के ड्रेस में। तो पहले लॉगिन कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद में जो है हम आईडी को चालू करेंगे और चालू करने के बाद जो है आगे जाएंगे कहाँ ऑर्डर लगता है, क्योंकि मैंने यहाँ पता किया है नियर बाय में कोई ओबेरॉय होटल है, वहाँ पे ओबेरॉय मॉल है सॉरी, वहाँ पे जाके काफ़ी सारे डिलीवरी बॉय वेट करते हैं ऑर्डर आने का, तो मैं भी वहीं जाऊँगा। तो सबसे पहले आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। तो अभी मैं दोस्तों आईडी को लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ से आप लोगों को बेसिकली ऑन कर देना है, मैंने नंबर वगैरह डाल के तो ऑलरेडी लॉगिन कर लिया था, बट यहाँ से ऑन करने के टाइम हम लोगों को क्या पूछता है देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता रहा है कि आपको कोई बुखार वगैरह तो है नहीं, कोई सिम्टम्स वगैरह तो नहीं है, आपके पास बैग जो है वो सैनिटाइज तो है ना, मास्क वगैरह आपने कैरी किया है कि नहीं, तो ओके कर देते हैं। अब हमसे मांग रहा है ये सेल्फी, वो भी विदाउट मास्क। तो पहले कहीं एक कोने में जाते हैं और यहाँ पे पहले एक सेल्फी दे देते हैं विदाउट मास्क। तो ये अभी मुझे डिटेक्ट कर रहा है मेरे फेस को, क्योंकि आप जो आईडी यूज़ कर रहे हो वो चेक कर रहा है ये आप ही हो या कोई और है। फेस तो डिटेक्ट हो चुका है, ऊपर देखिए लिख के आ रहा है। अब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ बेसिकली, तो ये दे दिया मैंने अपना सेल्फी। चूँकि आईडी मेरा है तो मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है सेल्फी देने के लिए। ये हो रहा है अभी सबमिट, ये वेरीफाई कर लिया उन्होंने, सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। अब मेरा ये ऑन हो चुका है ये डिवाइस, ये देख सकते हो, और यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा अर्निंग भी मिल रहा है, 10 रुपीज़ ड्रॉप एक्स्ट्रा पर ऑर्डर, लोकेलिटी गोरेगांव ईस्ट। तो ऑन भी हो चुका है ये, अपना लॉगिन भी दिखा रहा है। ऑर्डर का वेट करेंगे कि ऑर्डर अभी कभी आता है, पहले तो एक ऑर्डर के लोकेशन पे पहुँच जाते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। तो आईडी तो अपना लॉगिन हो चुका है दोस्तों, आईडी भी लॉगिन कर लिया है। अब जहाँ ऑर्डर लगता है हाई जोन एरिया जो होता है मुझे दिखा रहा है डिवाइस में, वहाँ चले जाता हूँ, उसके बाद में जो है आगे का कंटिन्यू करेंगे। हाई जोन एरिया में खड़ा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स हो चुके, ऑर्डर जीरो आया है अभी तक, 12:01 हो चुके, और मैंने अप्रॉक्सीमेटली लॉगिन किया था 11:10 के आसपास, तो अभी तक तो मुझे एक भी ऑर्डर बजा नहीं है। ये देख सकते हो अभी तक एक भी ऑर्डर बजा नहीं है मुझे, तो वेट ही कर रहे हैं। हाई जोन दिखा रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, मगर ऑर्डर एक भी नहीं है। तो दोस्तों अभी अपने को पहला ऑर्डर लगा हुआ है KFC से, अपने को जो है इसका मिल रहा है 41 रुपीज़, और ये छोड़ना है अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर की। तो फाइनली दोस्तों अपने को पहला ऑर्डर जो है मिल चुका है, ये देख सकते हो। उससे मेरे को डायलॉग याद आ रहा है, सुबह से ना बिका एक आलू ना बिका एक कांदा, अब पहला ऑर्डर लगा है और हो गया है वांदा। इसको लेके जाना है अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर। इस ऑर्डर का जो है कितना पैसा दे रहा है डिलीवर करने के बाद ही बताऊंगा आपको, तो मज़ा काफ़ी आने वाली है क्योंकि काफ़ी देर वेट करने के बाद ही ऑर्डर मिला है दोस्तों, तो इसको डिलीवर करने के बाद ही सीधा मिलते हैं आप। तो पहले ऑर्डर में मिला है अपने को 41 रुपीज़, उसमें से जो है वो 31 रुपीज़ अपना डेली टारगेट में काउंट हो रहा है। तो दोस्तों अभी पहला ऑर्डर तो डिलीवर कर दिया था, अभी दूसरा ऑर्डर डिलीवर करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे नेस्को में, ये देख सकते हो नेस्को। दूसरे ऑर्डर में हो गया है प्रॉब्लम ये हुआ है कि ऑर्डर अपने को लगा है लेट, और कस्टमर बोल रहा है काफ़ी टाइम हो गया उसको ऑर्डर करके, और मुझे हेल्पलाइन से भी कॉल आ गया कि आपको लेट हो गया है, रीज़न बताइए। तो रीज़न तो उन लोगों को मैंने बता दिया कि मुझे ऑर्डर तो लग के ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है और मर्चेंट ने मुझे दिया नहीं है। तो ये पहला ही प्रॉब्लम जो है मुझे फेस करने मिल गया है दिन के दूसरे ऑर्डर पर, और अप्रॉक्सीमेटली अभी टाइम हो रहा है, मैंने लॉगिन किया था 11:10 पर,
और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे मैं दूसरा ऑर्डर डिलीवर कर रहा हूँ, कस्टमर का वेट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को अंदर एंट्री नहीं है, कहीं एंट्री होती है और कहीं एंट्री नहीं होती है। तो दूसरा ऑर्डर डिलीवर करने के बाद देखेंगे अभी हम लोगों को ऑर्डर कहाँ का लग रहा है और किधर जाना है। तो वीडियो तो आप लोगों को मज़ा आ ही रहा होगा, तो लास्ट तक देखना ज़रूर। तो फाइनली दोस्तों अपने को अभी बज रहा है 3rd ऑर्डर, जो अब मुझे पिकअप करना है, ये देख लेता हूँ मैं मुझे कहाँ से पिकअप करना है। तो अब अपन जा रहे हैं, अब मैं जा रहा हूँ जो है वो 3rd ऑर्डर पिकअप करने के लिए रेस्टोरेंट पे। रेस्टोरेंट यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर के आसपास है। अभी अपन ने जो है अप्रॉक्सीमेटली 4 ऑर्डर जो है कंप्लीट कर दिए, अभी मैं 4th ऑर्डर डिलीवर कर रहा हूँ और देखते हैं कितना पैसा मिलता है, क्योंकि एक साथ 2 ऑर्डर दिया था कंपनी ने ये, और इसको पहुँचाने में भी काफ़ी टाइम लग गया और ये काफ़ी लंबे का ऑर्डर था इसीलिए। तो पहले अभी इसको डिलीवर करते हैं और देखते हैं इसमें कितना पैसा मिल रहा है मुझे। एक साथ 2 ऑर्डर छोड़ा है मैंने, 56 मिनट लग गया है मुझे, और अभी मुझे इसका जो है 91 रुपीज़ मिला हुआ, ये देख सकते हो दोस्तों। पहला टारगेट कंप्लीट करने के लिए भी 209 रुपये और चाहिए, वेट करेंगे अभी दूसरे ऑर्डर आने का। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, मुझे जो ऑर्डर लगा है वो ऑर्डर लगा है अभी रॉयल पम का। मोस्टली ये जो है डेंजर जोन में आता है, लेपर्ड वगैरह यहाँ घूमते रहते, बट अपने को ऑर्डर लगा है और अपने को ये डिलीवर करना है, तो इस हिसाब से जो है मैं जा रहा हूँ मुंबई के आर्य कॉलोनी। अब आगे जाके देखेंगे, यहाँ से ट्रैफिक तो काफ़ी दिखा रहा है अंदर की तरफ जाने के लिए, बट हम आगे जाके देखेंगे हमको ट्रैफिक मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या आज हमको सामने से लेपर्ड तो नहीं नज़र आ जाएगा डिलीवर करते करते। तो बहुत टाइम वेट करने के बाद ही ऑर्डर लगा है और लेके जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ऑर्डर एक्सेप्ट किया है तो आपका ये जाना ज़रूरी है, नहीं तो पेनल्टी वगैरह भी आपको लग सकता है। तो पेनल्टी को अवॉइड करते हुए मैं जिस ऑर्डर को डिलीवर करने वाला हूँ, तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है दोस्तों। तो आगे जो है जाएंगे और अभी जो है इसको डिलीवर करने के बाद देखेंगे क्या है और क्या पेमेंट हम लोगों को मिल रहा है। तो अभी अपने साथ एक सीन हो गया है कि अभी अपने को जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर ऑलरेडी कैंसिल हो गया है या अभी कैंसिल होने की कगार पर है, तो उसके लिए भी मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 1/2 घंटे से वेट कर रहा हूँ, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। और अभी बज रहे हैं 7:30 बज चुके हैं, 9 ऑर्डर मारा है अभी तक, एक टारगेट जो है वो पूरा नहीं हुआ है, 350 रुपये का काम नहीं हुआ है अभी तक। तो अपने को तो 11 बजे तक लॉगिन रखना है, अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटा और आज देखना है कि 12 घंटे में लोग कितना कमा सकते हैं या कमाते हैं या नहीं कमाते हैं। तो दोस्तों अभी समय हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 10:30 और 10:30 बजे तक मैंने ऑर्डर जो मारा है वो मारा है 14 और मेरा काम जो हुआ है वो हुआ है 601 रुपये का। अप्रॉक्सीमेटली मुझे 11 घंटे हो चुके हैं लॉगिन करके सुबह में और मैंने काम किया है 601 रुपये का। तो मेरा पेट्रोल जो गया है इसमें 150 रुपये का, 601 रुपये का काम हुआ है इसमें, मैंने जो आज फुल एंजॉय किया है इस चीज़ को। मास्क इसलिए नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि रोड पे खड़ा हूँ इसीलिए। तो 10:30 बजे अभी मैं फाइनली मैंने बंद कर दिया है, स्क्रीन शॉट में डाल दूंगा देख लेना, 601 रुपये का काम हुआ है आज के दिन में और पूरा 11 घंटा गया है मुझे, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में 11 बजे लॉगिन किया था और अब बज रहा है 10:30, यानी अप्रॉक्सीमेटली 11.5 घंटे के आसपास जो लॉगिन किया है मैंने। तो एक जोमेटो डिलीवरी बॉय की लाइफ इतनी आसान नहीं होती, बहुत टफ होती है। हम लोगों को लगता है वो लोग डिलीवरी हमारे घर पर लेके आ रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, इन्जॉय के साथ साथ जो है उन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे मुझे तकलीफों का सामना करना पड़ा कि मैं रॉयल पम्प चला गया, रॉयल पम्प जाने के बाद में मुझे तो डर लग रहा था कहीं प्रॉब्लम नहीं हो जावे, बट वहाँ से मैं फटाफट जो है पार्सल देके बाहर निकल गया। ट्रैफिक जो है वो काफ़ी था क्योंकि जोगेश्वरी वगैरह की तरफ से जो लोग आते हैं वहाँ पे, वो ट्रैफिक का मुझे सामना करना पड़ा। दूसरा ये था कि ऑर्डर जो है वो फटाफट लग नहीं रहे थे, 6 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली मैंने 9 ऑर्डर मारे थे और 6 बजे के बाद में 10 बजे तक मैंने 5 ऑर्डर मारे, तो टोटल 14 ऑर्डर ऐसे मैंने मारे हुए। तो एक डिलीवरी बॉय ज़्यादा कुछ कमाता नहीं है, 400 से 500 रुपये वो अपने घर लेके जाता है। तो ये चीज़ को आज मैं एक्सप्लोर करने के लिए मैंने सोचा था कि नहीं आज जो एक वीडियो इसके ऊपर बनाना चाहिए। वीडियो कैसा लगा पहले तो कमेंट करके ज़रूर बताना। डिलीवरी बॉय की लाइफ में 2 जो टफ बातें होती है, एक तो ऑर्डर जल्दी लगता नहीं और दूसरा जब ऑर्डर लग जाए तो जो है रेस्टोरेंट वाला जल्दी उन लोगों को पार्सल देता नहीं। तो आप भी अगर कभी अपने घर पर जो है वो डिलीवरी वगैरह मंगा रहे हो तो थोड़ा पैशन रखो कि एकदम हाइपर नहीं हो जाना अगर आपको डिलीवरी लेट मिल रही है। इस हिसाब से आप लोगों को भी थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा और उन लोगों को भी समझना पड़ेगा जो ट्रैफिक का सामना और काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद आप लोगों तक जो है वो एक फूड को लेके आ रहे हैं। बेसिकली जो है उन लोगों को एक डिलीवरी का 25 रुपये मिलता है और 25 रुपये में आप लोगों को सर्विस देते हैं 4 किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर के बाद में जो है पर किलोमीटर उनको 6.50 रुपये मिलता है। तो डिलीवरी बॉय इतना नहीं कमाता जितना हम लोग समझते हैं और काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है उनसे। तो आज जो था वो था वीकडे में जो है मैंने अप्रॉक्सीमेटली 14 ऑर्डर मार के 601 रुपये का काम किया है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों की डिमांड होगी तो वीकेंड का भी एक शूट जरूर करेंगे हम लोग।
तो उस चीज़ के लिए भी आप लोग जो है वेट करते रहना। अगर आप लोगों को करना है या आप लोगों को देखना है वीकेंड में क्या कमाई होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को फटाफट पहले जाके सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले ऐसे ही एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो आने वाले हैं बहुत जल्दी जल्दी, और बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं, तो उसके लिए जो है फटाफट चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को भी जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलेंगे दोस्तों अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए।